नमस्कार बाबा, राष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। अग्यारकुंड प्रखंड मुख्यालय में दो विषयों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना और निर्वाचन को लेकर अग्यारकुंड प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार कर्मकार ने कहा कि दो विषयों को लेकर प्रखंड में बैठक किया गया। पहला, मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना, जिसमें जिन लोगों का उम्र 60 साल से ऊपर हो गया है वैसे लोगों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। वैसे लोगों को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा जिनके घर में कोई भी सरकारी नौकरी हो या इनकम टैक्स पेबल हो, वैसे लोगों को पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा योजना, इन दोनों योजनाओं के लिए आंगनबाड़ी सेविका, सुपरवाइजर और सभी BLO पर्यवेक्षकों को बुलाया गया है। निर्वाचन योजना में मतदाता सूची में सुधार का काम चल रहा है। अभी भी मतदाता सूची में मतदाताओं का फोटो ब्लैक एंड व्हाइट है। उसे रंगीन फोटो लगाने के लिए सभी मतदाताओं से आग्रह है, अपने BLO को रंगीन फोटो दें जिससे निर्वाचन कार्य पूर्ण हो। आज हम लोगों ने प्रखंड मुख्यालय में दो विषय को लेकर के बैठक आयोजित की गई है। एक है मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना और दूसरा है निर्वाचन को लेकर के। अभी सरकार के द्वारा निर्देश प्राप्त है कि सभी वैसे लोग जिनकी उम्र 60 वर्ष अधिक हो गई है वैसे लोगों को पेंशन से आच्छादित करना है। इसमें वैसे लोग जो कि नहीं होंगे, जिनके परिवार के लोग कोई सरकारी नौकरी करता हो या उस परिवार में कोई व्यक्ति इनकम टैक्स अदा करती हो, इनको छोड़ करके बाकी आंगनबाड़ी सेविका, सुपरवाइजर और सभी BLO पर्यवेक्षक को बुलाया था। साथ ही अब निर्वाचन से संबंधित कार्य संचालन चल रहा है, जिसमें जो हमारे मतदाता सूची होते हैं उसमें कुछ सुधारात्मक कार्य किया जा रहा है, जिसमें अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मतदाता सूची में या उसका जो वोटर आईडी है उसमें फ़ोटो जो है अभी भी ब्लैक एंड वाइट है, जिसमें निर्देश प्राप्त है कि उसको हम लोग सभी का फ़ोटो कलर करें। हम सभी मतदाताओं से अनुरोध करेंगे कि जो हमारे BLO जा रहे हैं उनको मतदाता का जो अपना फ़ोटो है रंगीन फ़ोटो उपलब्ध कराएँ ताकि हम लोग सुधार कर सकें। ये दो विषय को लेकर के हम लोगों ने बैठक आयोजित किया और ये दो चार बार में होना है। अभी आधे लोगों को बुलाया कि दादा कवर करेंगे। और भी लगातार खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।